मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास वन का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मेरा नाम। जो मेरा नाम का ये जो कविता है, जो कविता है पोषम पा भई पोषम पा जल्दी से अब अंदर आ आकर अपना नाम बता। तो ये तीन लाइन है, लेकिन ये तीन जो लाइन है इसमें आपको ये जितने अक्षर हैं आपको सबको तो पहचान में हुए होंगे, लेकिन आपको इसमें श तलबी श मूर्धनी श गंती स इसका आपको सारे को आपको अच्छे से पढ़ने हैं और मात्रा को भी पढ़ने हैं। बस हम लोग एक कविता जो होता है हम लोग उसको बस याद कर लेते हैं, लेकिन आपको याद करने के साथ साथ आपको पहचान भी इसको करने होंगे। जैसे पोषण, पोषण है तो आप देखते हैं कि पहला अक्षर क्या है, प है, और इसमें क्या लगा हुआ है, ओ की मात्रा लगा हुआ है। तो प में ओ की जब मात्रा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ, और ये क्या है, श, और ये म, तो पोषण प। प में आ की मात्रा है तो पा, पोषण पा। अब यहाँ पर भ और बड़ी ई की मात्रा है तो भई पोषण पा। तो ये आपको खुद से मिलाकर आपको पढ़ने हैं इस लाइन को। फिर क्या है, जल्दी से अब अंदर आ, जल्दी ज है और आधा ल, और द, द में क्या लगा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, जल्दी से। स में क्या है, स में ए की मात्रा है तो से अब अंदर, अब अन, अन क्या है, स्वर है ना हमारा, स्वर जो हम मैंने आपको पहले पढ़ाया, अंदर आ, आकर अ में आ की मात्रा, आ कर अपना नाम बता। तो ये आपको क्या करने हैं, मात्रा के साथ और अक्षर को उसमें मिलाकर आपको पढ़ने। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, आप सेकंड में देखिएगा कि मेरा परिवार। आप लोग कहाँ रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो परिवार में कौन कौन होता है, आप तो खुद रहते ही हैं, तो यहाँ पर यहाँ है मेरा परिवार। तो मेरा परिवार में हम लोग ये जो फाइव बॉक्स लगाए हैं इसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है या आपको एक प्रोजेक्ट की तरह से बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉक्स बनाया मेरा परिवार का, एक ये हमारा ये क्या है, कुछ सदस्य परिवार में जो जो लोग रहते हैं, आपके परिवार में जो जो है यहाँ मैंने लिख दी हूँ मैं, लेकिन आपके परिवार में जो जो है आपको मेरे परिवार में आपको सारे क्या करने हैं, इसको प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो यहाँ पर है मैं, सबसे पहला क्या है ये बॉक्स, मैं, तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या करने हैं आपको, अपना एक छोटे से आपको पिक्चर चिपकाने हैं आपका। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए दादा, आपके पास दादा है तो क्या करेंगे, दादा तो लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या करने हैं, दादा का पिक्चर चिपकाने हैं। और यहाँ पर क्या है, दादी, दादा दादी हैं तो यहाँ पर क्या करने हैं, यहाँ पर भी आपको पिक्चर चिपकाने हैं। माँ, मम्मी पापा हैं तो मम्मी पापा यहाँ पर माँ लिख कर, और यहाँ पर उनके फोटो चिपकाने हैं। और यहाँ पर भी क्या करने हैं, पापा, तो पापा को क्या करने हैं, यहाँ पर लिख कर यहाँ पर एक पिक्चर चिपकाने हैं। और आपके परिवार में जो एक अगर अंकल हैं आंटी हैं तो आपको क्या करने हैं, इसी तरह अपने परिवार में जो भी सदस्य हैं उनका सारे नाम लिखकर उसमें आपको एक पिक्चर चिपका देनी है, एक प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेरा विद्यालय। मेरा विद्यालय मतलब आपका विद्यालय। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको इसको क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको इसको आंसर लिखना है। यहाँ पर दिया है आप स्कूल में आकर क्या क्या करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आप स्कूल में आकर क्या क्या करते हैं और आपको स्कूल में कैसा लगता है। तो ये क्या है कि आप स्कूल में आकर क्या क्या करते हैं, तो ये आपको मम्मी पापा से पूछ कर या ऐसे नहीं, आपको लिखने हैं कि आपको कैसा लगता है और क्या क्या करते हैं, आपको खुद से लिखने हैं। बुक में तो बहुत सारा दिया रहता है, बट आपको आपको कैसा लगता है और आप आकर क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिया कि फर्स्ट में दिया है आप स्कूल आने से पहले आकर क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, जब स्कूल में आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को, अपने प्रिंसिपल को, अपने मैम सर को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट में क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, ये आपको खुद से लिखने हैं।
फिर सेकंड में है। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लास में आकर बैठते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में फिर आपको करने हैं, और फिर क्या करते हैं आप क्लास में आकर आपको क्या करते हैं पढ़ते हैं, तो आपको क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, लंच होता है, तो लंच में आप क्या करते हैं लंच आप करते हैं, तो वो आप लिखते हैं, फिर लंच के बाद आपको क्या करते हैं फिर आप खेलते हैं। तो इसमें सारे एक्टिविटी जो आप करते हैं वो पॉइंट आपको खुद से लिखने हैं जो जो आप करते हैं। फिर आपको स्कूल में कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लिखना है, अगर आपको थोड़ा सा बुरा लगता है तो बुरा लगता है, क्यों लिखता है, तो आपको ये सारे क्या करने हैं खुद से लिखने हैं, मम्मी पापा से नहीं पूछना है, क्योंकि मम्मी पापा स्कूल में आकर नहीं पढ़ते ना, तो आपको खुद से वो आपको एक्टिविटी आपको कैसे फील होता है आप क्या क्या करते हैं खुद से आपको इसको लिखने हैं, पॉइंट बनाकर आपको लिखने हैं। फिर है आप स्कूल जाने से पहले क्या कर सकते हैं, आज यहाँ पर हमारा सारे बुक में जो आप देखेंगे चैप्टर में है, पेज नंबर में है, ये सारे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, लेकिन आपको आंसर खुद से देने हैं, ठीक है। तो हमारा फिर ये क्वेश्चन है, आप स्कूल जाने से पहले क्या क्या करते हैं, स्कूल जाने से पहले मतलब आप मॉर्निंग में सबसे करते हैं, आप उठते हैं, मतलब यहाँ पर पहला क्या है जल्दी उठना, और क्वेश्चन का आपको आंसर यहीं से शुरू होता है कि आप स्कूल जाने से पहले क्या क्या करते हैं। तो स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम सुबह में क्या करते हैं,